सिमिलर है यहाँ पर. अ बॉक्स कंटेन्स फाइव ब्लैक सेवन ब्लू एंड एट व्हाइट मार्बल्स. अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल बॉल ड्रॉन इज ब्लैक. मार्बल होता है कंचे जो हम लोग खेलते हैं, छर्रे टाइप का, तो वो छोटी बॉल है एक तरीके से कांच की. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, ब्लू और ब्लैक, नॉट ब्लैक और ग्रीन. चलो देखते हैं. तो जो बॉक्स है उसमें क्या क्या है उसे लिख लेते हैं. फाइव ब्लैक, सेवन ब्लू, एट व्हाइट. टोटल कितने हैं? सात, पांच, बारह, आठ, बीस मार्बल्स. ठीक है, ऐसे बनाने से फायदा क्या होता है कि हमें क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना पड़ता है. हमें मतलब बॉक्स अपना दिखाई दे रहा है कैसा है. चलो तो अब हमें क्या निकालना है, अब इवेंट डिफाइन करना लिख लेना चाहिए. हर बार आपको क्वेश्चन में लिखना चाहिए, लेट ई इज इक्वल टू इवेंट व्हेन अ ब्लैक मार्बल इज ड्रॉन. ई ब्लैक लिख रहा हूं मैं यहां पर. अ ब्लैक मार्बल इज ड्रॉन, ठीक है. देयरफोर पीई ब्लैक. पीई ब्लैक कैसा आएगा भाई? काम का इवेंट कौन सा है अपना कि भाई ब्लैक मार्बल निकल आए, तो वो कितने बार हो सकता है? पांच बार हो सकता है. पांच तरीके से, पांच तरीके से ब्लैक मार्बल निकल सकता है क्योंकि अवेलेबिलिटी पांच की ही है. अच्छा, टोटल हमारे पास 20 है, तो ये हो गया 1/4. इसी तरह हमें इसके इसके और इसके लिए भी इवेंट डिफाइन करना चाहिए, बट ब्लैक ऑफ स्पेस की वजह से मैं नहीं कर रहा हूं. आप अपनी कॉपी में जरूर करिए अगर आप असाइनमेंट कर रहे हैं या यही सवाल एग्जाम में आ रहा है, इस तरह का आपको लिखना चाहिए. ओके, और फिर पी ब्लू और ब्लैक बोल रहा हूं इस बार मैं. बच्चों प्लीज ध्यान रखिए, जब और कंडीशन होती है तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग प्लस करते हैं, ठीक है. मतलब ब्लू आ जाए तो भी हम खुश हो जाएंगे कि फेवरेबल इवेंट है, और ब्लैक आ जाए तो भी हम खुश हो जाएंगे फेवरेबल इवेंट है, और दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे. मतलब दोनों को, दोनों हमारे फेवरिंग इवेंट्स हैं तो उन्हें ऐड करना चाहिए, ठीक है. तो पांच ब्लैक हैं और सेवन ब्लू है, तो सेवन, चाहे ब्लू आए चाहे ब्लैक आए, दोनों बार अपना फेवरेबल है, तो सेवन प्लस फाइव हमारा फेवर है और 20 हमारे टोटल इवेंट्स हैं. तो सेवन प्लस फाइव 12 हो गया. 20, 4 3 12, 4 5 20. तो ये अपना दूसरा पार्ट हो गया इस जगह. पहला पार्ट ये था, सेकंड पार्ट यहां आ रहा है और थर्ड आप कर रहे हैं. चलिए अब नॉट ब्लैक, नॉट ब्लैक निकालने के लिए बस सबसे अच्छा तरीका है कि 1 - p ब्लैक निकाल ले हम लोग. तो p ब्लैक क्या होगा, हम लोग कर चुके हैं, वो 1/4 आ चुका है. 1/4 तो ये हो गया 3/4. अब चौथा वाला p ग्रीन. अब भैया जो चीज है ही नहीं उसको आप निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तब जीवन भर निकालते रहिए एक 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 मार्बल. कभी ग्रीन मार्बल नहीं निकल पाएगा इस वाले बैग से, क्योंकि भैया ग्रीन है ही नहीं. तो फिर हमारा जो फेवरेबल इवेंट है वो हो जाएगा 0 और टोटल डिवाइडेड बाय 20, तो पी ग्रीन हमारा हो रहा है 0. तो हमारे आंसर्स ये सब है 1/4, 3/5, 3/4 और 0.